नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, मतलब कि हम ईडीएज ग्रुप के सबसे दो बेहतरीन शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें जो ये तेज़ी आई थी रिलायंस इंफ्रा में उसका रीज़न क्या है, और रिलायंस पावर में ये जो गिरावट आई है उसमें क्या रीज़न है कि गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, और इन दोनों शेयरों में कहाँ तक जाने की क्षमता है, ये दोनों शेयर कहाँ तक जा सकते हैं, और जो है एक एडीएजी ग्रुप की तरफ से बड़ी खबर भी निकल के आ रही है, उस खबर को भी हम जो है इस वीडियो में बताएंगे कि क्या खबर का इफेक्ट जो है इन दोनों शेयरों पर पड़ने वाला है, ये दोनों शेयर कहां तक ऊपर भागेंगे, और रिलायंस इंफ्रा, खासकर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों में कितनी तेजी अभी देखने को मिलेगी, और रिलायंस पावर में जो ये गिरावट देखने को मिल रही है ये गिरावट कब जाके खत्म होगी, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या अभी रिलायंस पावर को बाई करना है कि नहीं करना है, और रिलायंस इंफ्रा में आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, रिलायंस इंफ्रा में क्या आपको नेक्स्ट जो है अपनी जो नेक्स्ट अपना कदम है रखना चाहिए। तो जिससे सब बातें करेंगे वीडियो में, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसी क्या खबर निकल के आ रही है, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप है जो है हमारा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको बिल्कुल फ्री में इंट्राडे की ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जब सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं वो हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, काफ़ी आपको फायदा होगा अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में कोई खबर आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले हम इसी ग्रुप में पोस्ट करते हैं ताकि आप मार्केट को लेकर हमेशा अपडेटेड रहें। और कुछ दिन पहले हमने आपको एक जो है एक लिस्ट भी दी है पेन स्टॉक की, और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छे जो स्टॉक है वो लिस्ट हमने इस ग्रुप में प्रोवाइड की है, तो उस लिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं आप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसी क्या खबर निकल गई, पहले सबसे पहले खबर को देखते हैं। तो खबर देखिए, ये अपने 25 सितंबर की खबर है, 7:51 की शाम की खबर है ये, मतलब तो इसमें देखिए क्या बोला गया, रिलायंस इंफ्रा टू रेज 750 करोड़ थ्रो FCCB। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी खबर निकल के रही है, मतलब कि रिलायंस इंफ्रा फिर से फंड रेजिंग करने वाली है 750 करोड़ रुपये का FCCB के थ्रू। तो काफ़ी बड़ी खबर है, और इस खबर का इफेक्ट जो है फिर से रिलायंस इंफ्रा पर देखने मिलेगा, मतलब कि ये कंपनी बहुत जल्द जो फोकस किया जा रहा है कंपनी को डेट फ्री करने का, तो ये कंपनी बहुत जल्द ये बार बार जो फंडरेजिंग की जा रही है, और जो उनको जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि कुछ दिन पहले जो DMRC की तरफ से 7100 करोड़ रुपये का जो उनको जो है पैसा मिलने वाला है, तो उस खबर का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। देखिए 104 रुपये के लेवल तक पहुँच चुका है, और ये फिर से एक फंडरेजिंग की खबर निकल के आई है, तो उसका इफेक्ट भी जो है रिलायंस इंफ्रा पर पड़ेगा, और इसका जो इफेक्ट है रिलायंस पावर के ऊपर भी पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है रिलायंस पावर पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, क्योंकि पहले भी जब फंडरेजिंग की गई है या कुछ भी इनको पैसा मिला है कहीं से भी एसेट्स को उन्होंने बेच के पैसा जो जुटाया है, तो उसका जो है मान लीजिए रिलायंस इंफ्रा को पैसा मिला तो उन्होंने रिलायंस पावर में लगाया, रिलायंस पावर से पैसा मिला तो रिलायंस इंफ्रा में लगाया। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 1325 करोड़ रुपये की उन्होंने फंडरेजिंग की थी रिलायंस पावर में, किसके थ्रू, रिलायंस इंफ्रा के थ्रू, मतलब कि ये दोनों कंपनी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ये खबर जो है रिलायंस इंफ्रा में जो आई है इसका इफेक्ट जो है रिलायंस पावर पर भी जो है पड़ता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो 750 करोड़ रुपये फंड रेजिंग हुई है और 7100 करोड़ रुपये जो ये DMRC तरफ से इनको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको डिले हो सकता है 7100 करोड़ रुपये मिलने में, क्योंकि DMRC की एक अभी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बात की है कि जो दिल्ली मेट्रो है काफ़ी कर्जे में हो गई है, क्योंकि कोरोना के समय में काफ़ी दिन बंद रही, तो इन पर क्या है काफ़ी लॉस होता है इनका DMRC का, इसी वजह से ये पैसे चुकाने में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने 750 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की है ये अब काफ़ी जो है इनको बेनिफिट देगा रिलायंस इंफ्रा को प्लस रिलायंस पावर दोनों को। इस खबर को हम आगे पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला रिलायंस इंफ्रा ऑन सैटरडे सेट इट्स बोर्ड एंड अप्रूव्ड रेजिंग अप टू 750 करोड़ रुपीज़ बाई इशूइंग फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB बोलते हैं ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो ये इन्होंने फंड रेजिंग की है, और उसके अलावा इस कंपनी में आगे क्या बोला गया है, वी हेयर बाई इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज ऑथराइज्ड दस इशू ऑफ अप टू $1 करोड़ अनसिक्योर्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2031 विद अ कूपन रेट ऑफ 4.5% ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो काफ़ी बड़ी जो है ये खबर निकल के आ रही है, इस खबर को काफ़ी जो है मद्देनजर रखते हुए ये बात बिल्कुल तय है कि अब रिलायंस इंफ्रा यहाँ तक नहीं रुकने वाला और ना ही रिलायंस पावर, दोनों ही शेयर काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं, ये बात बिल्कुल तय है। तो हम चार्ट पे चलते हैं कि इसका इस खबर का इफेक्ट क्या पड़ सकता है इन दोनों शेयरों पर।
तो रिलायंस पावर की बात किया तो रिलायंस पावर जो है अब थोड़ा सा ये नीचे आता हुआ देखने मिल रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी थी इन्होंने, और तेज़ी पकड़ने के बाद हमारे जो टारगेट नंबर 1 12.45 रुपये और 13.45 रुपये, ये दोनों टारगेट हमारे हिट हो गए थे, और 14.90 रुपये का टारगेट जो था ऑलमोस्ट हिट हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, इसमें फिर गिरावट आई थी और अब इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अब ये खबर निकल के आ रही है तो बहुत जल्द फिर से इसमें तेजी देखने मिलेगी, और हो सकता है कि इसमें हल्का फुल्का कंसोलिडेशन चले, कंसोलिडेशन खत्म होते ही फिर से इसमें तगड़ा जो है बूम देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि रिलायंस पावर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, और लगातार जो है इसमें जो खबरें निकल के आ रही है अच्छी अच्छी उसका इफेक्ट काफ़ी जो है रिलायंस पावर पर देखने को मिल रहा है। तो अगला इसका टारगेट जो रहने वाला है, इसका टारगेट नंबर 1 रहेगा 13.45 रुपये का, उसके बाद 14.90 रुपये ये आपका टारगेट नंबर 2, और अगर ये लेवल टूटेगा 14.90 रुपये जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार 14.90 रुपये का लेवल टूट जाएगा, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका 18.30 रुपये का रहेगा, ये आपका टारगेट नंबर 3 जो आराम से अब अचीव होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और आपका बाइंग ऑप्शन जो है वो 12.45 रुपये का रहेगा, ये आपका बाइंग ऑप्शन है कौन सा, 12.45 रुपये। ये तो बात रही रिलायंस पावर की, अब चलते हैं रिलायंस इंफ्रा की तरफ की, रिलायंस इंफ्रा में कैसा क्या आगे का कदम आपको लेना है, रिलायंस इंफ्रा में क्या आगे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस शेयर में रिलायंस इंफ्रा में, तो उसको हम देखते हैं कि रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि आपको पता है कि 104 रुपये के लेवल तक पहुँच चुका है, और हमने आपको जो लेवल दिया है आपको दिया है ऑलमोस्ट 105 रुपये का, हमने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था और बोला था कि अगर 105 रुपये का लेवल जो टूटेगा तो इसके जो है इसमें नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आया था वो निकल गया था कौन सा, 125 रुपये का, आपको याद होगा कि हमने आपको 125 रुपये का लेवल दिया था कि ये लेवल जो है आपका 125 रुपये का आराम से अचीव होगा अगर 105 रुपये का लेवल टूटता है। तो इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि इसमें जो लास्ट पर जो गिरावट आई थी, आपको याद होगा जब लास्ट पर जब गिरावट आई थी उसमें गिरावट आई थी कब, 105 रुपये के लेवल के अचीव होने के बाद, हमने आपको पहले भी वो टारगेट दिया था और दोबारा से ये हमारा टारगेट जो है हिट हो चुका है, और इस बार काफ़ी यह संभावना है कि ये वाला टारगेट जो है हिट हुआ जो आपका 105 रुपये का, वो इस बार जो है टूट कर ऊपर जाने वाला है, ये बात बिल्कुल तय है। तो रिलायंस इंफ्रा में चलते हैं कि रिलायंस इंफ्रा में कैसे क्या अभी आगे का जो है आपका पोजिशन रहनी चाहिए, तो हम रिलायंस इंफ्रा के चार्ट पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में आपको दिया था 105.90 रुपये का टारगेट, और ये देखिए हमारा हिट हो चुका है, ये देखिए इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट करीब करीब, आपको मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो आपका हाई था 107 रुपये के आसपास का, मतलब कि 105 रुपये का टारगेट जो है हमारा हिट हो चुका है, हमने आपको 59.85 रुपये पर बाइंग कराई थी, और हमने आपको बोला था कि अगर आप ऊपर के लेवल में इसमें फंसे हुए हैं तो आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा आराम से कवर हो जाएगा, आपका जितना भी लॉस हुआ है ये कंपनी कवर कर देगी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है लगातार, इसमें अच्छी खबर है और उसके अलावा अच्छा परफॉर्मेंस इसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने आपको बोला था, और देखिए क्या हुआ उसके बाद से, लगातार तेज़ी में तेज़ी आई और तेज़ी के बाद देखिए ये अब फिर से ऊपर की ओर चढ़ चुका है, और देखिए ये ओवरबॉट जोन में भी पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, मतलब कि 105.90 रुपये पर क्यों अलर्ट रहना है, क्योंकि देखिए लास्ट बार यहाँ पर इसने कल जो है रेजिस्टेंस दिया था और इसके और इसी के बाद देखिए इसमें गिरावट आई थी, गिरावट भी देखिए कितनी भयंकर आई थी, ये 58.59 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था, इस बार भी आपको जो है बहुत ज़्यादा नज़र रखना है 105.90 रुपये के लेवल पर, अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो आपको होल्ड करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 105.90 रुपये का जो लेवल है इसको तोड़ के अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको होल्ड करना है, अगर ये तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता है तो आपको इससे जो है एग्जिट कर लेना है, अगर ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका 125.70 रुपये का नेक्स्ट टारगेट रहने रहेगा, ये आपका कौन सा टारगेट है, अगर टारगेट अगर कब 125.90 रुपये का लेवल तोड़ के ऊपर जाएगा, कम से कम इसके ऊपर 2 दिन क्लोजिंग दे दे तब जाके आपको 125.70 रुपये पर जो है आपका टारगेट रखना है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है इसके नीचे आपको आता हुआ देखने को मिलता है, मतलब कि 105.90 रुपये के नीचे एक या दो दिन ये नीचे आता है तो आपको इससे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है, आपको इससे निकल जाना है, क्योंकि फिर इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट बार भी यही लेवल से गिरावट देखने को आपको मिली थी, और आपको होल्ड कब करना है, होल्ड तब करना है जब 105.90 रुपये का लेवल तोड़ के ये ऊपर जाएगा, तो आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा 125.70 रुपये का, और आपको बाइंग अगर करनी है तो बाइंग का अभी सही समय नहीं है, बाइंग आप इसमें अभी ना करें, क्योंकि बाइंग करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो आप निकल चुकी है, अगर अभी आप बाई करेंगे तो हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा फंस जाएं, तो अगर आपको बाई करना है बाई आप अभी थोड़ा सा ना करें, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, इसको आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और सेल करने की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी कि आपको किस हिसाब से सेलिंग करनी है या किस हिसाब से आपको होल्ड करना है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इन लेवल के हिसाब से जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी कंपनी में अब कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही, कंपनी लगातार जो है फंड रेजिंग उसके अलावा कर्ज जो है अपने आपको कम कर रही है, कंपनी के द्वारा लगातार जो है मीटिंग में मीटिंग हो रही है, और अनिल अंबानी जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को कर्ज मुक्त करने का और इन दोनों कंपनियों को बढ़ाने का, तो अगर इतनी मेहनत की जा रही है अनिल अंबानी जी की तरफ से तो आप कंपनियों पर भरोसा कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल तय है, तो आप जो है कंपनी रिस्की जरूर है लेकिन हाई रिवॉर्ड वाली कंपनियाँ दोनों हैं, तो आप जो है इन लेवल के हिसाब से अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैंने अपनी आपको पर्सनल सलाह दे दी है,
दोस्तों यहीं तक की वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार एम्पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड।